तुम लाइफ में करना क्या चाह रहे हो? इसका फैसला आज ही कर लो। ठीक तो कह रहे हैं ये। अगर आपको छुट्टी करनी थी तो ऑफिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था ना? हारिस, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूं। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा। हरी हरी चूड़िया, ये हरी हरी चूड़िया। हेलो हेलो, नसरीन बाजी जी। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बस कुछ कहना रह गया था क्या उस दिन? नहीं नसरीन बाजी, मेरी बात सुने। मैंने आपसे कहना था कि आप एक बहुत बड़ी डायन है। तुझे क्या लग रहा था कि अगर तेरे भाई से मेरा रिश्ता नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी? तेरा भाई की पूरी दुनिया में एक ही नवाबजादा रह गया है क्या? हाँ, अरे मेरी बात सुन, तुझे इतना ही शौक है ना अगर जहेज मांगने का तो जा, जाके सड़क पे खड़ी हो जा। वैसे भी शक्ल से भिखारन की औलाद लगती है तू। तुझे गाड़ी चाहिए थी ना? गाड़ी चाहिए तुझे? जा जाके गाड़ी के नीचे आ जा। तेरी शक्ल है गाड़ी के नीचे आने वाली मरूस बॉडी छोड़े। दिलचार बेटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा शेरवानों की बातों? नहीं अम्मा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने समझाया भी था उसे कि वो इस तरह ना करे। अम्मा, क्या जरूरत है इस वक्त ये बात करने की? ये मौका नहीं है इन बातों का। मुझे अच्छा नहीं लगा बेटा जब उसने तुझसे मुंह मोड़ लिया। बेवकूफ सी लड़की है अम्मा, उसकी बातों का क्या बुरा लगना क्या अच्छा लगना। हाँ, फिर भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा आप खुद सोचे, कल जो उसने हरकत की है वो ठीक की थी? एक लड़की जो अपनी ही जान लेने की कोशिश करे बगैर कुछ सोचे समझे, वो अगर मुझसे नाराज हो जाती है तो ये वाली बात तो परेशानी की नहीं है ना। उसकी इस हरकत ने मेरे आसार हिला के रख दिए। अम्मा तुम सब सिर्फ उसका ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। अम्मा बस मुझे अजीब लग रहा था, मैंने सोचा कि तुझे समझा दो कि उसकी बात का तू बुरा नहीं मानना। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं तुझे और उसको आमने सामने बिठा कर बात को क्लियर करा दूंगी। अम्मा मैं मुतमईन हूँ, मैंने जो भी किया है ना शेरवानों के भले के लिए किया है। आज जो मसले मसाइल हमें पेश हो रहे थे कल इससे कई ज्यादा बढ़ते हैं। हो सकता है आज उसको मेरा यह फैसला समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन उसे यह फैसला समझ में आएगा ना, उसकी नाराजगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अरे हो गया सबमिट। हाँ यार, पता है सर ने रिपोर्ट एक्सेप्ट भी कर ली। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा यार। अब यकीन कर लो,
जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त हो ना हारिस, वो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है ना। मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी जिसका तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बाबा को ये बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लोगों की हेल्प करने का इतना शौक है तो एनजीओ ही खोल लो। ऐसे बुरा आइडिया नहीं है। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि रिपोर्ट की ट्रीट कब दोगे? अभी चलो। अभी? हाँ, एक काम करते, लंच कर लेते फिर ऑफिस चले जाएंगे। हाँ चलो ये भी ठीक है। ठीक है, मैं अम्मी को कॉल कर लूँ, इन्फॉर्म कर दूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, ओके। मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। हाँ हाँ, ओके? सही सही। कहा भी था एहतियात से जाना, अब वक्त पे डिलीवरी नहीं होगी तो वक्त पे पेमेंट भी नहीं होगी। बहुत लापरवाह इंसान हो तुम लोग यार। मैं छुट्टियों पे आया हूँ, कम से कम जिम्मेदार हो जाओ प्लीज। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूब चल रही है आज। अरे बेटा, मैंने सोचा कि जरा चल फिर लूं तो आदत हो जाएगी। जरूरी है, बैठ आराम से। तू किससे फोन पे बातें कर रहा था? ऑफिस के लड़के से। अम्मी जान ऑफिस ना जाऊं सारा काम खराब कर देते हैं लड़के। अरे ऑफिस के लड़के तेरे यहाँ? हाँ बताया तो था, हमारी कंपनी की ऑफिस है पाकिस्तान में और यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दे दी हैं। आए मेरा बच्चा, अरे तू तो मेरी एक फोन कॉल पे दौड़ा चला आया, मैं तेरे सदके जाऊं। और क्या करता मैं अम्मी जान, आप बुलाए और मैं ना आता, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। अम्मी जान आपके लिए गर्म पानी लाया हूँ, नमक डाल के आपके पाँव की सिकाई करनी है। कोई सिकाई विकाई नहीं करवानी तुझसे, समझा? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, लाए शाबाश पैर दें भाई सिकाई करें। इससे कह दे मेरे पैर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, दबाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं अम्मी जान, आपके पाँव के नीचे तो हमारी जन्नत है। अरे चल चल, ये लच्छेदार गुफ्तगू कहीं और करना, पैर के नीचे जन्नत है, बड़ा यार। अरे क्या हो गया अम्मी जान, इतनी लंबी नाराजगी, आपकी सगी औलाद है, देखे कितने मासूम से चेहरे हैं। लंबी नाराजगी? अरे मैं इससे सारी जिंदगी नाराज रहूंगी, नहीं करूंगी बात मैं इससे। अम्मी जान माफ कर दे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा करेंगे। अरे चल, बड़ा गलती का एहसास हो गया। अरे ये तो दुआ दो कामी को कि तुम दोनों को मैंने इस घर में घुसने दिया, वरना मैं तो फटकने भी ना देती। चले आप अशोक भी अंदर जाए, मैं अम्मी के पाँव की सिकाई करता हूँ। ठीक से कीजो भाई, ठीक से कीजो भाई, तू ही है ना एक सही करने वाला काम, दबाओ। मेरे बच्चा तू क्यों करेगा मेरे पैर की सिकाई? क्यों अम्मी जान, आप मेरी माँ नहीं है क्या? मैं तो करूंगा, लाए अपना पैर दे मुझे। आए इसीलिए तो जॉब का इरादा किया है। और शादी? कोई प्लान नहीं। अच्छा, इतना बड़ा बोझ उतर गया यार, अल्लाह का शुक्र है एमबीए कंप्लीट होने वाला है। हाँ ये तो है। वैसे तुम्हारे आगे क्या प्लान्स हैं? यार मुझे जॉब करनी है, घर वालों को सपोर्ट करना है। तुम्हारे घर की अर्निंग्स की जिम्मेदारी तो तुम्हारी बड़ी बहन पर है ना? एक्चुअली मेरी जो दूसरी बहन है ना, जो टीचर है, जॉब तो वो भी करती है लेकिन खर्चे सारे बाजी उठाती है। फिर तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए। इसीलिए तो जॉब का इरादा किया है। और शादी? कोई प्लान नहीं। अच्छा, मैंने तो सुना है कि लड़कियों को बहुत अरमान होते हैं शादी करने के। क्या वो हंस क्यों रही? क्योंकि तुम जैसे बर्गर बच्चे इस तरह की बातें करते ना तो बहुत स्ट्रेंज लगता है। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ बर्गर बच्चा, ओके? जिस क्लास से तुम बिलोंग करते हो उसकी बात कर रही। वैसे मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं। तो किस टाइप की लड़की हैं आप? यार मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। शादी का क्या है, शादी तो वैसे ही हो जाएगी।
वैसे तुम बता रहे थे कि तुम्हारे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सख्त नहीं पर थोड़े अजीब जरूर हैं। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि वो चाहते हैं कि हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो, वो हर चीज को कंट्रोल करें। अरे शेरबानो, शेरबानो, बस कर क्यों हंसे जा रही है? अरे अरे बावली हो गई है क्या? बस कर। कसम से इतना मजा आया, मैंने उसे फोन किया, वो समझे कि मैंने माफी मांगने के लिए फोन किया है। मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की कि 3 दिन तक ना ख्वाब में मेरी आवाज गूंजती रही। तो क्या जरूरत थी तुझे फोन करने की? क्या जरूरत थी, क्या मतलब फोन करने की? अरे अम्मा क्यों जरूरत नहीं थी? हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे नहीं अम्मा हमारा ताल्लुक? वो जो महीने में 10-10 दिन आके हमारे यहाँ खाने ठूस ठूस के जाती थी, उसका बदला कौन लेगा? लो अब हम उसके नाश्ते और खाने का हिसाब रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे अम्मा, हमारे पैसे है, कोई हराम के नहीं है। या अल्लाह तुझे कौन समझाए, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल नहीं आई तुझे। अच्छा अम्मा सुनो तो, मैंने उसे कहा चुड़ैल डायल, तो आगे से वो क्या कहने लगी? अल्लाह मियाँ दफा कर, तू उसका जिक्र बार बार क्यों कर रही है? सुनो सुनो सुनो, मैंने उसे कहा कि अपने कान साफ करा, तेरे कान में मैले बेरी है क्या? तो इसका मतलब है तुम्हारे बाबा से तुम्हारी इतनी कुछ खास बनती नहीं है? कुछ खास नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें सुनकर ये सब लग रहा हो, पर असल मसला एक्सपेक्टेशंस का है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बाबा की बहुत ज्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं और उन्हें लगता है कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता। यार हर माँ बाप को यही लगता है, इसमें क्या बड़ी बात है, सब यही सोचते हैं। मेरे बाबा बचपन से यही चाहते थे। तुम्हें पता है मैं 8 साल का था जब पहली दफा मुझे बाबा ने थप्पड़ मारा था। वो दिन और आज का दिन, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ को डिक्टेट किया है, हिटलर की तरह। पहले तो बच्चा था, सुन लेता था हर बात। अब कहानी कुछ इस तरह है कि कभी उनकी चल जाती है और कभी मेरी। इसी भी उनको बुरा लग जाता होगा ना, नाराज हो जाते होंगे। Exactly. देखो हारिस, बाप तो बाप ही होता है, ठीक है डांटते हैं गुस्सा करते हैं, लेकिन औलाद की फिक्र भी तो होती है ना। हया ऐसी फिक्र का क्या फायदा जिसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। हम पूरी फैमिली में सबसे वेल ऑफ थे, सबसे वेल सेटल्ड थे, मगर मैं खानदान का सबसे गरीब बच्चा था। मेरे कजन्स जो उनका दिल करता था वो करते थे, पर मुझे इजाजत नहीं थी। तो तुम्हारे कजन से दोस्ती है? हाँ, पर सब तकरीबन पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, और जो पाकिस्तान में है वो कराची में नहीं हूं। तुम्हारी स्टोरी सुन के ना एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली गई। आई एम सॉरी, वो मैं इतनी बातें किसी के साथ करता नहीं हूं, पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्यों कर लिया। तो अच्छी बात है ना किया, अगर नहीं करते तो फिर ऐसे दोस्त होने का क्या फायदा। हाँ अच्छा सुनो, बिल मंगाओ। मगर बिल तुम दोगी? जाहिर है, मंगवा तो लो, मैं ही दूंगी। हेलो। शुक्र है उस्तानी जी, आपकी आवाज सुनने को मिली, मैं तो डर ही गया था। क्यों, आप क्यों डर गया था उस्तानी जी?
ये जो आपने हरकत की है ना खुदकुशी वाली, पता चल गया मुझे। हाय अल्लाह मुश्ताक जी, आपने मेरे पीछे कोई सीआईडी छोड़ी हुई है, आपको कैसे पता चला? इत्तेफाक से उस्तानी जी, जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुई हुई थी वहां मैं अपनी वालदा मोहतरमा को लेके आया था चेकअप के लिए। आपकी बहनों पर नजर पड़ी तो मुझे फिक्र हुई, फोन किया तो आपकी वालदा ने फोन उठाया था और बताया कि आप हॉस्पिटल में। अच्छा, तो फिर तो अम्मा ने आपको ये भी बता दिया होगा कि जो मेरी शादी होने वाली थी ना वो टूट गई है। जी हाँ, बता दिया था। वैसे एक बात तो बताइए, ये हरकत करने की आपको आखिर जरूरत क्या थी? मैं अच्छा खासा समझदार समझता था आपको। मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप एक ही इंसान है जो मुझे समझदार समझते हैं। वैसे सच पूछे ना सानी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपको नहीं करना चाहिए था ये। अच्छा छोड़ें, मेरी बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? कौन सी शादीशुदा जिंदगी उस्तानी जी, खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? जी हाँ, लड़की वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाय अल्लाह, मगर वो क्यों? पैसा उस्तानी जी, पैसा, पैसे वाली असामी मिल गई थी उन्हें। अब इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास। हम ठहरे सादा से प्यार करने वाले लोग, उन्हें पैसे वाले चाहिए थे, उन्हें मिल गए। मुश्ताक जी, ये जलालत तो आम हो गई है, लोगों में से खौफे खुदा ही खत्म हो गया, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक कह रही हैं। वैसे अगर आप माइंड ना करें तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी शादी क्यों खत्म हुई? बस क्या बताओ मुश्ताक जी, वही पैसे की लालच थी, उन्हें बहुत सारा जहेज मांग रहे थे, हम तो सारा जहेज देने को तैयार हो गए थे कि आखिर में उन्हें गाड़ी मांग ली, बस इसी बात पे हंगामा हो गया। क्या करें सोनिया का उस्तानी जी, बड़ी लालची, बड़ी बेशर्म है, क्या कहती हैं? बस मुश्ताक जी, क्या कह सकते हैं इस बारे में। अच्छा खैर, आप ये बताइए कि अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तो मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। अच्छा चलें ठीक है, आप मुकम्मल तौर पे सेहत याब हो जाएं तो फिर मुलाकात का प्लान रखते, क्या ख्याल है? हाँ वैसे भी अब तो आपका और मेरा गम एक जैसा है ना, अब तो मुलाकात में भी मजा आएगा। ये बात तो आपने 16 ने दुरुस्त की उस्तानी जी, चले अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात होगी, खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।